जिसे मेरा सवाल है कि जैसे मेरे गांव में मुझे एक लड़की पसंद आया है, तो मतलब वे उतना जी दीनदार नहीं है, तो क्या हम उससे निकाह कर सकते हैं? उसके बारे में ख्याल आता था देखिए कि मैं उससे निकाह करूंगा ऐसे। देखिए लड़की के इंतखाब में हमारी शरीयत ने हमको रहनुमाई की है कि हम सबसे पहली चीज जिसको मुकद्दम रखें वो दीनदारी होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने दीनदारी को मुकद्दम नहीं रखा तो उसका निकाह नहीं होगा। निकाह हो जाएगा। शरीयत ने एक चीज बताई है आपके फायदे के लिए, अगर उस चीज जी को आप फॉलो करेंगे और उसकी इत्तिबा करेंगे तो इसमें आपका फायदा है। लेकिन अगर दीनदारी कम है फिर भी आपने निकाह कर लिया तो निकाह तो सही हो जाएगा, लेकिन शरीयत ने जो जी हुक्म दिया है उस हुक्म की इत्तिबा आपसे नहीं होगी अगर आपने दीनदारी को मुकद्दम नहीं रखा तो, वरना निकाह तो हो जाएगा, शादी हो जाएगी। जिसे जैसे अल्लाह के रसूल ने दीनदारी को तरजीह देने के लिए कहा है, तो हम अगर एन एस में तो गुना नहीं होगा ये बात से? नहीं, गुनाह नहीं होगा। देखिए दीनदारी का लेवल होता है। एक दीनदारी का लेवल ये है कि कोई ऐसी लड़की है जो दीन के अंदर जो वाजिबात हैं उनको भी अदा नहीं कर रही है, मान लीजिए नमाज नहीं पढ़ती है, तो ऐसी सूरत जी में तो हम कहेंगे नहीं उससे शादी मत कीजिए, बेनमाजी है या बहुत तरह के गुनाहों में मुलव्वस है, हम कहेंगे उससे शादी मत कीजिए। और एक दीनदारी ये है कि कोई लड़की वाजिबात को अदा करती है, मुनकरात से रुकती है, लेकिन सुनन नवाफिल की पाबंदी उसके यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर दो लड़कियां आपके जी सामने हैं, एक ऐसी है जो वाजिबात की अदायगी करती है, मुनकरात से रुकती है और जो है सुनन वगैरह की पाबंदी भी करती है, दूसरी है जो सिर्फ वाजिबात की अदायगी करती है, अब ऐसी सूरत में जाहिर है तरजीह उस लड़की को हासिल है जिसके अंदर ज्यादा दीनदारी है। तो अगर दीनदारी का लेवल ऐसा है कि वाजिबात की अदायगी नहीं कर रही है, मासी और जी मुनकरात में मुलव्वस है, तो उससे आप अगर निकाह कर रहे हैं तो इस हुक्म की आप मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वाजिबात की अदायगी कर रही है और जो है सुनन नवाफिल वगैरह की पाबंदी उसके यहाँ नहीं है और आप कर रहे हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं, कर सकते हैं।